छिंदवाड़ा जिला के चौरई तहसील के 18 गांव के किसानों की किसान संघर्ष समिति ने 17 अगस्त को एक बैठक की थी, जिसमें उन्होंने सर्वसहमति से निर्णय लिया था कि क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं के संबंध में तहसील में ज्ञापन सौंपा जाएगा। गौरतलब है कि 23 अगस्त को 18 गांव के किसानगण बड़ी संख्या में एकत्रित होकर तहसील परिसर में पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें किसानों की मांग है कि अति वर्षा से फसल बर्बाद हो गई है, जिसका सर्वे कराया जाए। आगे उन्होंने कहा है कि माचागुड़ा इरिगेशन पेंच वन से पाइपलाइन शासन के आदेश अनुसार बिछाई जा रही है, लेकिन अभी वह काम भी शिथिल हो गया है और काम बंद पड़ा है। हम किसानगण बहुत परेशान हैं, यदि हमारी समस्या नहीं सुनी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मुख्य रूप से उपस्थित शिव कुमार दुबे, बुद्धू पटेल, अशोक पंचेश्वर, मंगल बंजारा, मोती शाहू, शिवराम शाहू, पंचीलाल आदि किसानगण उपस्थित रहे। किसान संघर्ष समिति आज पूरे 18 गांव के लोग यहां पहुंचे हुए हैं चौरई। आज इस विषय को लेकर के यहां पहुंचे हुए हैं कि हमारे अति बारिश के कारण जो अतिवृष्टि हुई है बारिश की, उससे फसल जो खराब हुई है, उसके लिए हमारी बीमा कंपनी जो राशि काटती है उसका क्लेम मिलना चाहिए। और लेफ्ट माइक्रो एजुकेशन माचागुड़ा ब्लॉक वन, उसमें अभी जो काम चल रहा है वो गुणवत्ताहीन काम नहीं होना चाहिए, तेजी से काम होना चाहिए, सुचारू रूप से काम हो, और पावर हाउस का जो काम होना चाहिए वो अभी कुछ नहीं हुआ है जमीनी स्तर पर, तो पावर हाउस का काम भी चालू किया जाए। क्योंकि जब पिछले बार जब हम लोग 5,000 की संख्या में जब किसान एकत्रित हुआ था, तब हमको यह आश्वासन दिया गया था SDM महोदय के द्वारा, इरिगेशन विभाग के सक्षम अधिकारी के द्वारा, कि 20 जून तक के हम पानी दे देंगे, पर अभी तक के जमीनी स्तर पर कुछ काम नहीं हुआ है। ये बल्कि हमारे किसान लोगों ने जहाँ से पाइपलाइन जाना चाहिए वहाँ पाइपलाइन का काम हुआ, नाली खोदी गई, उसको खरीफ की फसल की बोनी नहीं किए, इंतजार करते रहे कि ठेकेदार आएंगे यहाँ से पाइप डालेंगे। आज भी वहाँ की वीडियोग्राफ हम दिखा सकते हैं, किसानों ने अपना नुकसान सह लिया पर फसल नहीं होया। वहाँ पे इतना उत्सुक है किसान कि यहाँ से हमारा काम होना चाहिए, और ठेकेदार को सूत्रों से जानकारी मिलती है कि ठेकेदार को काम से ज्यादा राशि अर्हण कर दी जाती है। इसके दो दो प्रूफ भी ऐसे सुनने को मिले हैं कि सक्षम अधिकारी इसके पहले भी सस्पेंड हुए हैं कि उनको राशि अर्हण ज्यादा हो जाती है और जमीनी स्तर पर काम नहीं होता है। हम चाहते हैं कि शासन तो एक नारा दिया करती थी मनरेगा का काम होता था कि जितना काम उतना दाम, ऐसा ही वहाँ पे दिया जाए, जितना काम हो उतनी राशि अर्हण दी जाए और हमारा काम अच्छे से होना चाहिए। बस मैं यही आप लोगों सबसे उम्मीद रखता हूँ। आप मीडिया वाले को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप ही हमारे एक ऐसे माध्यम है कि हमारी बात को शासन प्रशासन तक पहुँचा पाते हो। हम तो किसान अभी हैं, हम कहाँ जा पाएंगे, पर हमारा यूनियन 5,000 किसान आकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहा था, इकट्ठा हुआ था। आज भी हमारे 18 गाँव के 370 किसान जो हमारे पास अभी साइन आई है, 370 किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अगर हमारा एक हफ्ते के अंदर कुछ नहीं होता है, हमको कोई सा जवाब नहीं मिलता है, हमारे अध्यक्ष महोदय के पास कोई जवाब नहीं आता है, तो हम कोई बड़ा आंदोलन की तैयारी करें। जय जवान, जय किसान, जय किसान। NBC न्यूज के लिए चौरी से राजेश उइके की रिपोर्ट।